उछल गए हा हा हा। क्या ख्याल है आपका? हो हो हो। गाइज तो मेरा ट्रेनिंग का जो डे वन है वो स्टार्ट हो गया है। इट्स 10:45 और हम लोगों को जो है वो थोड़ा जल्दी लॉग इन करना पड़ता है फैसिलिटेटर्स को, सो दैट इफ देयर एनी टेक्निकल ग्लिच और एनीथिंग वी कैन सॉर्ट दैट आउट। तो वो हो चुका है और अभी मैंने, जैसे आपने देखा, मैंने गर्म पानी ले लिया है, मैंने एक्चुअली नॉट मैंने बट रोहित ने मुझे ये सब दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। सो आई विल जस्ट गो इन टू द प्रिपरेशन, आई विल रिवाइज माई इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल सी यू गाइज वंस द सेशन इज ओवर। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा हो। गाइस मैं 2 बजे का ट्रेनिंग ख़त्म करके बाहर आई हूँ, एक सेशन करके एक्चुअली बाहर आई हूँ। 1:30 हो गया है अभी, तो लंच ब्रेक हुआ था तो मैंने कहा कि मैं जाके अगस्त्य को देख लेती हूँ फटाफट, लेकिन मैंने आके देखा तो अगस्त्य तो सो रहा है। गाइस कितना प्यारा सो रहा है ना। तो अभी जो है वो सेकंड सेशन स्टार्ट होने वाला है 2 बजे, उसके बाद 4 बजे तक मुझे ट्रेनिंग देनी है और कल फिर 11 से 4 तक का ट्रेनिंग है। परसों लकीली सिर्फ 2 से 4 है, तो सुबह का टाइम मुझे थोड़ा मिलेगा अगस्त्य के साथ। अभी जो है हम लोग वो लंच करने वाले, लंच के लिए आज राजमा बनेगा। क्या हुआ? टाइम मिलेगा अगस्त्य और रोहित के साथ बस। कल रात को बहुत लेट हो गया था और ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी थोड़ी सी, तो एक्चुअली सोते सोते आई थिंक 4 बज गई थी और मुझे इतना चिंता हो रही थी यार कि सुबह सुबह मुझे 9 बजे नहा धो के ट्रेनिंग के लिए बैठना है, कैसे बैठूंगी। पर जब आपको पता है जब कुछ ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग होती है, फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, कहीं जाना होता है, तो आप कैसे भी करके मैनेज कर लेते हो और आप उठ ही जाते हो, यू नो आप कर लेते हो काम। तो वही मेरे साथ हुआ कि चाहे नींद मेरी सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 घंटे की हुई होगी, बट आई वोक अप, आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने आराम से बैठ के चाय पिया। मतलब मुझे भागते दौड़ते नहीं करना पड़ा, पूरा टाइम लेके मैं अंदर गई सुकून के साथ। मैंने जल्दी भी लॉग इन कर लिया, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि मैं ऑन टाइम लॉग इन करती हूँ, बट इस बार आई केप लाइक बफर टाइम, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, टाइम पे हो गया। देखिए माँ बेटे का प्यार। गाइज अमृता ट्रेनिंग फैसिलिटेट कर रही है आज, सो आज वो पूरे 3 घंटे बाद अगस्त्य से मिल रही है। अमृता आपको कैसा लग रहा है अगस्त्य से 3 घंटे बाद मिलके? हाँ पर कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस टाइम पे यूजुअली सोता ही है, बट वो बिल्कुल याद कर रहा था तुझे बहुत और डोर पे टक 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 जाके कोशिश भी कर रहा था, बट फिर उसको भी पता था ना अपन ने इतनी बार तो बोल के रखा था और वो देख ही रहा था कि अपन कैसी तैयारियां कर रहे थे कल टेबल शिफ्ट करके। यस एग्जैक्टली वो समझ गया वाले टेबल अंदर है, मतलब मम्मा अंदर। हाँ तो कोई बात नहीं, वो उठेगा तो वैसे हाँ 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 करके देखो गले लग जाएगा। 4 बजे आऊंगी ना ट्रेनिंग
तब तो वो तूफान मचा देगा वो। बहुत ही अच्छा रहेगा भाई, क्या बात है। तो अभी लंच प्रिपेयर कर लेते हैं, तू लंच कर लेना या फिर तेरा लंच अंदर भिजवा दूंगा। एक किसी तो कर दे यार अमृता को, एक किसी तो कर दे अगस्त को। गाइस आपको पता है ऐसा लगता है ना कि ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है। हाँ ट्रेनिंग दे दिया, हम लोग इतनी इजीली कमेंट कर देते हैं कि बोरिंग है, अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, राइट? आपको याद होगा, आप भी जब ट्रेनिंग्स कभी अटेंड करते होंगे तो। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेहनत वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में जाती है, पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में जाती है, फैसिलिटेटर्स या फिर जो आपको ट्रेन कर रहा है, जो कोच है उसको पूरा वो समझाने में जाती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है गाइस एक ट्रेनिंग। तो जब से मैंने ये सीखा है कि ट्रेनिंग के पीछे, ट्रेनिंग एक चाहे वो 2 घंटे की ही ट्रेनिंग क्यों ना हो, बट उसके पीछे जो मेहनत लगती है ना, दैट इज़ लाइक 3 times what you see, because आपको सिर्फ 1 घंटे का सेशन अटेंड करके जाना है, बट जो उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है, जो उसको यू नो लाइक एक स्लाइड बनाना, उस तरह से टाइम बताना कि इतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए, इस टाइम पे ब्रेक होना चाहिए, हमें उन लोगों को भी एंगेज करना है जो लोग अटेंड कर रहे हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें सब कुछ ध्यान रखना है, सारी ट्रेनिंग्स के लिए कॉल्स होते हैं मल्टीपल, आपको जो बाकी लोग आपके साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जाती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होता है, बिकॉज़ वो सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और ख़त्म। बट आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करें ना, ये सोचिएगा उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। किचन में आके मुझे कैसा लग रहा है, ये रोहित पूजा कर रहा है, उसने मेरे लिए चाय भी रख दी है, रोहित ने, वाओ। सिर्फ मेरे लिए रखी है कि तुम्हारे लिए भी? मेरे भी लिए। तेरे भी लिए? तू भी पिएगी? रोहित ये देखो ना पीछे का कितना अच्छा लग रहा है यार। ये सेटअप अच्छा लग रहा है तेरा ऑफिस अंदर जाने के बाद। मेरा ऑफिस अंदर जाने के बाद अच्छा लग रहा है रोहित को, मतलब सेटअप अच्छा लग रहा है। रोहित मैं बिना अदरक की चाय नहीं पीती। चलो कोई बात नहीं, अब आज पी लूंगी। कोई तो बात नहीं, ये कितने क्या ये व्हाट इज दिस, डाला है अदरक। थैंक यू। ऐसा लग रहा है ना मैं ट्रेनिंग रूम से बाहर आई हूँ कि जैसे कोई जंग लड़के आ रही हूँ, बहुत टाइम के बाद ऐसे अलग से अंदर बैठी हूँ ना। गाइस आज देखिए बॉम्बे में बारिश आ रही है, हाई टाइड अलर्ट है, बहुत सुंदर मौसम है। लेकिन एक बार जब ऑफिस का काम अच्छे से हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगस्त्य किसी माँ बेटे का मिलन। किसी एक अंकिन, एक अंकिन। माँ बेटे का मिलन। ओह बोपले, ओले बोपले, एक ही जाला, एक ही जाला। चलो चलो, उसको भूख लग गई है, उसको भूख लग गई है। तुझे कहाँ लग गई
सुंदर छोट से बाहर में हाय तो गाइस मेरा आज का ट्रेनिंग तो हो गया है। अब मैं अगस्त्य के साथ मस्ती करूंगी, है ना अगस्त्य? आओ आओ, अब मैं अगस्त्य के साथ मस्ती करूंगी। पता है मम्मा, अगस्त्य का हाथ दुखता है ना, कैसे बताता है? पता है ऐसे हो सिर पे लगती है ना, तो ऐसे करता है, पहले हाथ लगाता है, फिर बोलता है कि रोना भी है। अगर से कुछ पता है, मैंने उसकी नकल उतार रहे हैं। अरे नहीं ना भाई, पहले आ जा। अगर से कैसे, अगर से सिर दुखता है तो कैसे करता है? और फिर दो मिनट के बाद होता है। और हाथ तो कितना क्यूटली करता है, इतना सा तो हाथ है, इतना सा तो हाथ है, ऐसे हाथ से ऐसे कर रहे हो। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये अगस्त्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बिब, बिल्कुल नहीं। अगस्त्य इतनी अच्छी अपन आए क्या से लाए हैं यार, कितनी अच्छी है, वो कुछ भी गिरेगा तो उसमें गिरेगा। अरे यार अगस्त्य, ऐसा नहीं चलना यार, टी शर्ट पे गिरा है ना अगस्त्य, प्लीज यार चलने पहले दो। कहा तू बाबा को भी नहीं पहनने दे रहा है ऐसा? अगस्त्य अच्छा अच्छा क्या हुआ? बोलो बुक कुछ बोल, हम चिल्ला बोकार। तो अभी जो है, अभी आश्रम ना, मैं सच बताऊँ आपको तो हम लोग ने नाश्ता कर लिया था, और रोहित राजमा तो भी बनाना ही है ना। राजमा रोहित ने कहा था वो बनाएगा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। रोहित मैंने नहीं कहा था, मैंने बोला था मैं ट्राई करूंगा। रोहित ने कहा था कि तू मुझे बता दे कैसे बनाना है, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं 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 तुम मत बनाओ, वो एक टेस्ट उसका जो चाहिए वो आना बहुत जरूरी है, तो मैं बना दूंगी आके। तो अभी 4:15 हो गया, मैं फटाफट से राजमा बनाऊंगी और रोहित और हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, रोहित सुबह 3:30 बजे सोए हम लोग, और हम दोनों ही सुबह 8:30 उठ गए, बिकॉज मेरा आज ट्रेनिंग था तो दोनों उठ गए थे। उसके बाद ना रोहित सोया ना मैं सोई, बिकॉज रोहित अगस्त्य को संभाल रहा है और मैं जो है मैं ट्रेनिंग कर दे रही थी। तो अब मुझे तो काम करना है, तो अभी मैं जाकर काम करूँगी फिर से 5:30 बजे, और चाहूँगी कि रोहित थोड़ा सा आराम कर ले। अगस्त्य काटा ऐसे नहीं पगलू। अगस्त्य तो मेरा तो काम जो है वो 9 बजे तक चलेगा। हम लोग को ऑनलाइन ऑर्डर भी करना है काफ़ी सारी ग्रोसरीज, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे वो भी कर लें। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कहाँ कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। सो डू कीप वॉचिंग द व्लॉग।
तो गाइज आज ना सुबह सुबह जब हम उठे तो काफी थके हुए थे दोनों, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ ना, एक अचानक से मैसेज आया जो कि सह्याद्री फार्म का मैसेज था। और आपको पता है सह्याद्री फार्म्स मुझे ऐसे ही फेसबुक पे दिखा, अगर आप मेरा सह्याद्री का हॉल देखेंगे, मेरा और रोहित का, तो आप देखेंगे मैंने उस पर मैंशन किया है कि सह्याद्री फार्म्स जो है वो अचानक से मेरे फेसबुक पेज पे आया और मैंने ट्रस्ट करके वहां से सब्जियां और सब कुछ ऑर्डर किया और उसके बाद से मैं उसकी लॉयल कस्टमर हूँ, हम लोग इनफैक्ट। तो तब क्या है, सह्याद्री इतना फेमस नहीं था, ये लॉकडाउन की बात है। तो मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद अभी जब से हम देख रहे हैं सह्याद्री इतना फेमस हो गया है, लाइक पूरे बॉम्बे में, नागपुर में, नासिक में, हर जगह लोग सह्याद्री के पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं बहुत पहले से उनसे खरीद रही थी, जब कोई भी नहीं खरीदता होगा, काफ़ी कम लोग खरीदते होंगे, और मैं लॉयल कस्टमर उनकी बन गई हूँ। तो आज उनका सुबह सुबह मैसेज आया सह्याद्री फार्म्स का कि एक बॉक्स ऑफ रत्नगिरी के मैंगोज हम लोग के घर पे डिलीवर होंगे। ये रोहित, ये अगस्त से क्लैप क्लैप क्लैप। तो एक बॉक्स मैंगोज हम लोग के घर पे डिलीवर होंगे, वो भी फ्री फ्री। तो कितना मजा आएगा मैंगोज खाने में गाइज। वैसे तो हम लोग खरीद के लाए थे, बट यार सह्याद्री फार्म्स के मैंगोज और वो भी फ्री में, यू नो एज अ लॉयल कस्टमर मिल रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है ना रोहित? अरे गजब मजा आ जाएगा। तो हम लोग वेट कर रहे हैं उस बॉक्स का, जिस दिन में वो बॉक्स आता है आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज। आ गया मेरा बंदर, आ गया मेरा बंदर, आ गया जो फोटो है भैया। एक भाई हाई करो दे, लोकर से कहना, लोकर से करने हाई कर, मी देते खुला मी देते है गे अगस्त्य से हाय, से हाय बेटू, हाय एवरीवन। चिक्कू हाय, चिक्कू बेटा हाय, शना बेटा हाय, मम्मा का तू बेटा। अगस्त्य से हाय, इकड़े इकड़े पा, इकड़े पा, इकड़े 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 हो यू ही मिचल के हा हा। क्या ख्याल है आपका? तो गाइज मैं ये बोल रही थी कि इन बिटवीन आपको जब भी टाइम मिले ना, आप फेशियल योगा भी कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। मैं कई बार करती रहती हूँ, रोहित मुझे बोलता है तू ये क्या कर रही है। तो देखिए आप फेशियल योगा में ना काफी सारी आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं, तो आपके तीन चार पोजेस बहुत इजी है। जैसे एक तो ये है, इससे क्या होता है आपका ये जॉ एरिया है ये बहुत अच्छे से मूवमेंट होती है इस एरिया में, और आपकी ये जो स्किन है ना ये काली नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा इनफ ऑक्सीजन पहुंचता है। जितना आप ओपन कर सके उतना ये स्ट्रेच होगा। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये है, और धीरे धीरे से हवा आप छोड़िएगा, ठीक है। एक जो थर्ड है जो आप कर सकते हैं वो ये है, जैसे आप बहुत पूरा मुंह ओपन करते हैं राइट, उससे ये वाला जो एरिया है ना आपके यहाँ के एक्सरसाइज होती है इस वाले मसल की। एक तो ये और एक ये तीन हो गए। फोर्थ है वो आप अपनी नेक के एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये इस तरह से देखिए, एक सिंपल है पीछे और आगे, यू कैन डू साइडवेज। तो ये आप अपने डेस्क पे, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। एक ऐसा है नीचे, जितना आप स्ट्रेच कर सके ये वाली मसल आपकी स्ट्रेच होगी, एंड देन ऊपर, एंड देन
पीछे, ऐसे 5 से 10 बार रिपीट कीजिए एवरी डे। और फिर एक है गाइस, इतना रिलैक्सेशन मिलता है ना आप हर दिन करेंगे तो। उसके बाद जो लोग लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं जैसे कि मैं या फिर और भी आजकल के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिस्ट की एक्सरसाइज करना। ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है गाइस, वरना ये जो है ना ये आपका दुखने लगेगा एक टाइम पे आकर। राइट अगस्त्य, राइट अगस्त्य, जैसे अगस्त्य का दुखता है ऐसे। अगस्त्य कैसे दुखता है? ऐसे देख, अगस्त्य पे रिस्क, अगस्त्य ऐसा ऐसा कर, ऐसे कर, कर बेटा, तू कर, तू कर, कैसे करना है अगस्त्य ऐसे ऐसे, ये देख, कर ऐसा कर, तू भाई हाथ दबना बंद हो जाए, कर रहा है भाई। हाँ ऐसे भी करना है अगस्त, हाँ, ये एक्सरसाइज भी करना है यार, जो बता रहा है अगस्त, ये तेरा कोच अगस्त है ना, वेरी गुड, मेरा कोच बता रहा है कि ये करना है। तो ऐसे ही आप ये दूसरे हाथ की भी कर लीजिए ऐसे। वो ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपके बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलेगा और जो मसल्स हैं वो टाइट नहीं होंगे, इट विल बी फ्लेक्सिबल। अगस्त्य इसका क्या करूं मैं, ये क्यों तू मुझे क्या पैक, ये मुझे पैक कर रहा है क्या कि मैं यहाँ से जा ना पाऊँ अब? अगस्त्य ये क्या कर रहा है तू, मुझे उशियों से पैक कर रहा है क्या, जैसे हम तुझे पैक कर देते? देख 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 देख, सारी उशियाँ लेके आ रहा है। हाँ यहीं बैठी हूँ मैं अगस्त्य, ठीक देख, अब दूसरी उशी। फिनिश फिनिश अगस्त्य का लंच फिनिश। तो गाइस अभी जो है वो राजमा बन रहा है, ये देखिए लहसुन है ना, ये एक्स्ट्रा छीले हुए हैं, इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये ऐसा ना कांच का जार आप ले लो, कांच के जार में इतना फ्रेश स्टोर होता है, और इसमें जो है ये देखो अगस्त्य, ये लहसुन इसमें ऐसे रख दीजिए, काफी लंबे समय तक आपके ये लहसुन चलेंगे। बस इसको आप फ्रिज में रख दो एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट व्हेन एवर यू वांट। राजमा का जो मसाला है वो पकने रख दिया है, ये देखिए अभी सबसे मेन है ना ये मसाला पकने में ही टाइम लगता है, तो इसको कम से कम 5 से 10 मिनट चाहिए। बस मसाला हुआ कि राजमा की रेसिपी काफ़ी अच्छी है, सिंपल है। मसाला होने के बाद आपको डालना है इसमें राजमा, आपको डालना है इसमें राजमा, और राजमा डालने के बाद नमक मसाले सब डाल के यू आर रेडी टू गो। अगस्त्य कौन सी ट्यून? ये जो नया सॉन्ग है ना संस्कार के लिए जो करना इसको देखो, अच्छी है यार, बहुत मस्त है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये देखो ये अपना जमा रहा है सामान।
गाइस राजमा जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप देखिए कितना टेस्टी राजमा बना है, बहुत ही अमेजिंग बना है। वाओ, तो अब जो है वो हम करेंगे लंच, इसके साथ होगा राइस, कच्चे प्याज, मजा आ जाता है यार गाइस। तो आई होप आपका भी लंच काफी अच्छा हो, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पूरे किचन में, बिल्कुल अब भूख रह नहीं जा रही। मैं अब करने जा रही हूँ लंच और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। So guys, that's all I have for today's video. Do let me know if you guys liked it. Do like, comment, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys next time. Bye. Agastya, say bye, Lokar. Agastya. Agastya.